अब जैसे कि फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो रहा है तो क्यों ना कुछ मीठे से शुरुआत की जाए। आज मैं आपके लिए गुलाब जामुन की ट्रेडिशनल रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने एकदम सिंपल इजी टू अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि मैंने इसमें सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और टेक्निक्स डिटेल में शेयर करी हैं, जिससे कोई भी बिगनर इस रेसिपी को देखकर आराम से गुलाब जामुन बना लेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका डो बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम फ्रेश खोया, जो आपको किसी भी हलवाई की दुकान पे आराम से मिल जाएगा। अब इसको हथेली की हेल्प से अच्छे से मलना है क्योंकि हमने इसे एक सॉफ्ट डो बनाना है और खोए का जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा सा ग्रेनी होता है, मतलब दानेदार। तो इसको मसल मसल के एकदम सॉफ्ट क्रीमी सा टेक्सचर बनाना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस प्रोसेस को 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं, कभी ज्यादा भी लग सकता है, ये पूरा डिपेंड करता है आपके मावे की क्वालिटी पर। तो इस स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है क्योंकि गुलाब जामुन का टेक्सचर, उसकी सॉफ्टनेस पूरा इस पे डिपेंडेंट है। अगर ये स्मूथ टेक्सचर अचीव हो गया तो आपके गुलाब जामुन में कभी क्रैक नहीं आएंगे और फ्राई करते समय वो कभी फूटेंगे नहीं। तो इन बातों से आपको पता चल गया होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो ये थी टिप नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ, वो है पनीर, जो मैंने 1/4 कप लिया है, अगर ग्राम्स में देखें तो 50 ग्राम। आप पनीर की जगह 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर भी यूज कर सकते हैं। तो अब पनीर को भी क्रम्बल कर लेते हैं और जैसे मैंने मावे को मसल कर सॉफ्ट किया, उसी तरह अब पनीर को भी मावे के साथ अच्छे से मसल के सॉफ्ट कर लेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे मैंने अपने हथेलियों से स्प्रेड एंड फोल्ड टेक्निक अप्लाई करी है, जिससे दोनों मावा और पनीर सॉफ्ट हो जाए। तो अब डो में थोड़ा सा मॉइस्चर फील हो रहा है, तो इसमें हम ऐड करेंगे मैदा, वो भी थोड़ा थोड़ा करके। तो मैदा कितना डालना है वो डिपेंड करता है आपके डो के स्टिकीनेस पे, उसमें कितना मॉइस्चर है। बहुत लोग कहते हैं इसमें 1/4 कप मैदा डालिए, लेकिन नहीं, आप अपने डो के हिसाब से उसमें मैदा डालिए। अगर मॉइस्चर लग रहा है ज्यादा तो उसमें 1-1 चम्मच करके मैदा डालिए और मलते रहिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको और कितना मैदा डालना है। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। अगर आपने मैदा ज्यादा डाल दिया तो होगा क्या, आपके गुलाब जामुन तो हार्ड बनेंगे और खाने में भी आटे का टेस्ट आएगा। तो ये थी टिप नंबर 2। तो यहाँ पे मैंने लगभग 3 चम्मच मैदा डाला है और अच्छे से मिक्स किया है। आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे मसल मसल के एकदम सॉफ्ट नॉन स्टिकी डो बना लिया है। अब ये कैसे चेक किया जाए कि डो सॉफ्ट बना है कि नहीं, तो आप एक छोटी सी बॉल बनाकर देख ले। अगर क्रैक फ्री बन रही है तो इसका मतलब डो परफेक्ट है, और अगर नहीं बन रही है तो डो को सॉफ्ट होने तक और मिले। तो ये थी टिप नंबर 3। अब डो को 5 से 10 मिनट के लिए मॉइस्ट कपड़े से ढक के रख दे, ताकि सारे इंग्रेडिएंट सेटल हो जाए और आपके गुलाब जामुन अच्छे शेप होंगे। मॉइस्ट कपड़ा इसीलिए क्योंकि अगर आपने डो को ओपन रख दिया तो डो ऊपर से ड्राई हो जाएगा, पपड़ी सी जम जाएगी और क्रैक्स आने लग जाएंगे, तो जिससे आपके गुलाब जामुन अच्छे शेप नहीं होंगे। तो ये थी टिप नंबर 4। तो डो हमारा रेडी हो चुका है, अब चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप चीनी और 2 कप पानी। हाई फ्लेम पे चीनी को पूरा डिजोल्व होने दे। ध्यान रखें कि बीच बीच में उसको चलाते रहना है, और साथ में ही ऐड करेंगे कुटी हुई इलायची, मतलब इलायची पाउडर और थोड़ा सा केसर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि चीनी पूरी डिसॉल्व हो गई है, तो गैस बंद करने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं। आप अपनी उंगली से हल्का सा सिरप टच करके देखें, बस ध्यान रखें कि उंगली जले नहीं, वो चिपचिपा सा होना चाहिए, जो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी होती है। अभी ये एकदम परफेक्ट बनी है, तो गैस ऑफ कर देते हैं, क्योंकि गैस ऑफ होने के बाद ये थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। हमें कोई 1-2 तार वाली कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, जिससे होगा क्या कि आपकी चाशनी गाढ़ी हो जाएगी और गुलाब जामुन के अंदर तक नहीं जाएगी, जिससे आपके गुलाब जामुन अंदर से सूखे रह जाएंगे। तो ये थी टिप नंबर 5। अब ऑयल को गर्म होने के लिए रख देते हैं, तब तक डो चेक कर लेते हैं। तो डो अच्छे से रेस्ट हो गया है, थोड़ा सा मल लें। अब इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर ले और फिर से कपड़े से ढक दे, जिससे मॉइस्चर बना रहे। अब एक पोर्शन अपने दोनों पाम्स के बीच में रखें और एकदम प्रेशर से दबाते हुए उसको गोल शेप देते जाइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और जैसे जैसे आपको स्मूथ सरफेस अचीव होती जाएगी वैसे प्रेशर रिलीज करते जाइए, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं।
तो यहाँ पे मैं आपको एक सिलेंड्रिकल शेप का भी बनाकर दिखाती हूँ। तो आपको जो भी शेप का बनाना हो आप बना सकते हैं। ऐसे ही मैंने सारे बॉल्स रेडी कर लिए। अब इनको फ्राई कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तो गुलाब जामुन एकदम गरम तेल में फ्राई नहीं करने हैं। अगर आपको लग रहा है कि ऑयल बहुत गरम है तो गैस ऑफ करके उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें और चेक करने के लिए उसमें डो का छोटा सा टुकड़ा डाल के देखिए। अगर वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है और साइड्स में बबल बन रहे हैं तो ऑयल एकदम परफेक्टली गर्म है। अगर वो टुकड़ा एकदम से ऊपर आता है और ब्राउन हो जाता है तो इसका मतलब है कि ऑयल बहुत ज्यादा गर्म है। तो ये थी टिप नंबर 6। तो अब हम इसे एक एक करके बॉल डालते हैं। गैस की फ्लेम पूरे प्रोसेस में स्लो रखनी है और इनको ज्यादा छेड़ना भी नहीं है, वो अपने आप पलटते रहेंगे। अगर आपने ज्यादा कड़ची मारी तो वो कहीं टूट सकते हैं। तो जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तब तक हम चाशनी का टेम्परेचर फटाफट से चेक कर लेते हैं। वो ऐसे ही आप टच करके देखिए, उंगली को शॉक नहीं लगना चाहिए, मतलब चाशनी एकदम गर्म नहीं होनी चाहिए और एकदम ठंडी भी नहीं होनी चाहिए। अगर बॉइलिंग चाशनी में आपने फ्राइड गुलाब जामुन डाल दिए तो वो एकदम से सिरप पी लेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और वो टूट भी सकते हैं। तो चाशनी एकदम लुकवार्म होनी चाहिए, जिसको आप आराम से छू सके। तो ये थी टिप नंबर 7। तो जैसे ही थोड़ा गोल्डन कलर आने लगे तो स्लो फ्लेम पे आप इसको कड़ची से हिलाते रहिए। आपको फ्राई करते समय फ्लेम का बहुत खास ध्यान देना है। अगर हाई फ्लेम पे इनको फ्राई किया तो कलर तो आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने देखा होगा कभी कभी गुलाब जामुन के अंदर से अनकुक्ड वाइट डो दिखता है, उसका यही कारण होता है कि वो हाई फ्लेम पे फ्राई किया है। तो हमेशा लो फ्लेम पर फ्राई करें और आपके गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो ये थी टिप नंबर 8। अगर आपको लाइट कलर चाहिए तो इस स्टेज पे निकाल लें, अगर थोड़ा डार्क कलर चाहिए तो 2-3 मिनट के लिए और चलाते रहिए। तो गुलाब जामुन फ्राई हो गए हैं, अब इसको सीधे चाशनी में डालते हैं। अगर आपने गुलाब जामुन को फ्राई करके साइड में रख लिया और चाशनी में देर से डाले तो ये हार्ड रह जाएंगे और चाशनी नहीं पिएंगे, तो इसीलिए हम चाशनी पहले बनाकर रखते हैं। तो ये थी टिप नंबर 9। तो ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बेल आइकन के साथ, जिससे आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो अब इन गुलाब जामुन को 2-3 घंटे के लिए चाशनी में सोक करके रखना है, जिससे वो डबल द साइज, सॉफ्ट और एकदम रसीले बनेंगे। अगर आपको गुलाब जामुन का सेकेंड या थर्ड बैच फ्राई करना है तो फर्स्ट बैच के बाद गैस ऑफ कर दे, तेल को थोड़ा सा ठंडा होने दे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इमीडिएटली सेकेंड थर्ड बैच के गुलाब जामुन मत डालें। तो ये थी टिप नंबर 10। तो आपको देखने से ही लग रहा होगा कि कितने जूसी और सॉफ्ट बने हैं। आपको ये सारी डिटेल्स देख के लग रहा होगा कि काफी लंबी और टफ रेसिपी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम गुलाब जामुन बनाया था तो मुझे भी लगता था कि बन पाएंगे कि नहीं, लेकिन बहुत ट्रायल्स के बाद आज मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ और आपके साथ सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर पा रही हूँ। अगर आप भी बिगनर हैं तो बिल्कुल चिंता मत करिए, बस मेरी बताई हुई सारी टिप्स को अच्छे से फॉलो करिए और फिर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके गुलाब जामुन कैसे बने। तो जल्दी से इस रेसिपी को घर पर बनाइए, क्योंकि रक्षाबंधन दूर नहीं है, और अपने भाइयों का मुंह मीठा इस रेसिपी के साथ जरूर करें। आई होप आज का वीडियो काफी यूजफुल हो आपके लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इन टिप्स को लेके कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। तो जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग मंचिंग फिट।